नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो हाइड्रोजन कार है, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें कि जो हाइड्रोजन कार है किस तरह से काम करेगी, हाइड्रोजन किस तरह से इसके अंदर फ्यूल की तरह यूज़ होगा, तो इसके बारे में जानेंगे। अभी हम जो जानते हैं पेट्रोल इंजन है हमारे पास, डीजल इंजन है, सीएनजी इंजन है, तो इस तरह के इंजन हैं जिनके लिए ये फ्यूल यूज़ किए जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन कार की बात करें, इसके अंदर जो फ्यूल यूज़ होगा वो हाइड्रोजन यूज़ होगा, इसीलिए इसको हाइड्रोजन कार बोला गया है। अब हाइड्रोजन को यूज़ करने की क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है काफ़ी क्लीनर फ्यूल है, और आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं उनके अंदर भी काफ़ी मॉडिफिकेशन हो सकता है अगर हम हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। तो चलिए पहले हाइड्रोजन कार को एक पार्ट्स के रूप में, एक डायग्राम के रूप में समझ लेते हैं। हाइड्रोजन जो कार है उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है उनको समझ लेते हैं कि क्या होंगे। तो हाइड्रोजन कार है तो सबसे पहले हमें इसके अंदर एक टैंक चाहिए होगा। ये जो टैंक होगा इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन। तो इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उसको स्टोर करने के लिए हमें स्पेशल टैंक्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन टैंक होगा जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस होगी। ये जो है एक कार के अंदर उसके लिए एक सेपरेट चैम्बर हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को हमें फ्यूल की तरह यूज़ करना है। जैसे पेट्रोल के लिए पेट्रोल चैम्बर होता है, डीजल के लिए डीजल टैंक होता है, इस तरह से टैंक होते हैं। तो यहाँ पर ये जो टैंक होगा ये हाइड्रोजन टैंक होगा। उसके बाद जैसे ये गाड़ी है हमारी, अब हाइड्रोजन जो है वो क्या है हमारा, एक तरह से ये फ्यूल है, ये फ्यूल की तरह काम करेगा। अब ये हाइड्रोजन जो है फ्यूल की तरह किस तरह इसको हम लेंगे। अब हमने इससे पहले समझा था कि जो हाइड्रोजन सोलर प्लांट हमने समझा था, जिसके अंदर हमने हाइड्रोजन को बनाया था, ऑक्सीजन वहाँ पर एनवायरनमेंट के अंदर हम छोड़ देते थे, जो सोलर पावर प्लांट हाइड्रोजन का था, इससे पहली वीडियो में हमने देखा था, तो वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर हाइड्रोजन को तैयार किया गया था इलेक्ट्रोलाइजर से। इलेक्ट्रोलाइजर के थ्रू जो हाइड्रोजन बनी थी वो हमने स्टोर कर ली थी टैंक्स में, और वहाँ से हम इस टैंक को फिल कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन हमारे पास आ जाती है। या फिर हाइड्रोजन बनाने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन वहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि एटमोसफियर के अंदर काफ़ी हार्मफुल गैसेज भी जाती हैं। तो अभी जो है कुछ जो है इसके अंदर मुसीबतें आ रही हैं हाइड्रोजन को क्लीनर फ्यूल बनाने के लिए, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन हमें मिल जाती है तो उसके बाद हमारे पास होती है एक फ्यूल सेल, एक इसके अंदर ज़रूरत होती है फ्यूल सेल की। जैसे इलेक्ट्रोलाइजर के अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं, फ्यूल सेल के अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जो है हाइड्रोजन टैंक से लेंगे, और जो ऑक्सीजन है उसको एनवायरनमेंट से लेंगे, और फ्यूल सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ करके। चलिए इसको समझते हैं फ्यूल सेल को। अगर इस डायग्राम को देखें, ये जो डायग्राम है ये फ्यूल सेल की डायग्राम है। यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ से हम इसको सप्लाई करेंगे हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इसके पार्ट समझ लेते हैं, ये जो फ्यूल सेल है, क्योंकि मेन काम जो है इसी का है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगी। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल काम करते हैं, फिर जो व्हीकल है उस तरह से काम करेगी। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है लेफ्ट साइड से हम देंगे, लेफ्ट साइड के अंदर जैसे ही हाइड्रोजन आएगी यहाँ से वो मूव करेगी इस तरह से, और यहाँ पर जो है एक कैटलिस्ट लगा होता है हमारे पास, यानी कि जो हाइड्रोजन है सारी इस तरह से मूव करती रहेगी। यहाँ पर जैसे मूव करेगी तो यहाँ पर ये कैटलिस्ट होता है हमारे पास, इसको भी ध्यान रखना है। इस कैटलिस्ट का काम क्या होता है, इसका काम होता है ये जो हाइड्रोजन आएगी इसको आयंस में तोड़ देगी। ये तो आयंस में तोड़ देगी, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, जो एच पॉजिटिव आयंस हैं और इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव जो हैं वो हमारे यहाँ पर बनेंगे। तो ये जो कैटलिस्ट है ये काम करेगा, यानी कि इसको आयंस में तोड़ने का काम करेगा इस गैस को। इस तरह से जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर हम सप्लाई करेंगे, एक ही चैम्बर इसको मान लीजिए फिलहाल। कैटलिस्ट के साथ ये कॉन्टैक्ट में आएंगी और कैटलिस्ट इनको आयंस में तोड़ देगा। अब यहाँ पर बीच में हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइट, इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है कि ये सिर्फ जो है पॉजिटिव आयंस को यहाँ पर पास होने देगा, अपने से पॉजिटिव आयन को पास होने देगा। मान लेते हैं इस तरफ ये क्या है, एनोड है, जिस तरफ से हाइड्रोजन हम सप्लाई कर रहे हैं
एक तरफ जो है कैथोड है, एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड हो गए। एनोड से कैथोड की तरफ सिर्फ एच पॉजिटिव आयन्स आ सकते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट से होकर। अब इलेक्ट्रॉन इसमें से नहीं पास हो सकते तो हम बाहर जो है उसको एक पैसेज दे देते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ से फ्लो कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं किसी भी वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर, तो वहाँ पर करंट जनरेट हो जाता है आई, इसको हम सिंबल से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो पॉजिटिव आयन है वो इस इलेक्ट्रोलाइट से पास कर सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से ही पास करेंगे, उनके लिए इस पाथ को दे दिया गया है। अब यहाँ पर जो राइट साइड में कैथोड है यहाँ पर हम सप्लाई कर देते हैं ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई होगी। अब यहाँ पर ये जो कैटलिस्ट है यहाँ पर भी होगा, और इस कैटलिस्ट का काम क्या होगा, इस कैटलिस्ट का काम होगा जो ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन है और ये जो आयन्स आ रहे हैं एज पॉजिटिव, इन सब की यहाँ पर रिएक्शन होगी। रिएक्शन होने के बाद हमें यहाँ पर H2O यानी कि वाटर वेपर और एयर मिल जाते हैं। तो अगर हम फ्यूल सेल की पूरी रिएक्शन को देखें, अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है कहाँ से मिलेगी हमें, एटमॉस्फेयर से, ये ध्यान रखना है, हाइड्रोजन का टैंक हमारे पास है। तो फ्यूल सेल जो है एक बहुत ही तरह की क्लीनिंग जो है काम यहाँ पर कर रही है, साफ काम कर रही है, और इलेक्ट्रिसिटी हमें बनाकर दे रही है। इसीलिए हाइड्रोजन कार को एक क्लीनर फ्यूल कार भी हम बोल सकते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ से मिली, ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से मिली, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, इतना काम हो गया। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो हम उसको जो है बैटरी को चार्ज करने के लिए दे सकते हैं जो कारों के अंदर होती है। और यहाँ पर आगे फिर हमारे पास एक और चीज़ होती है जिससे, जिसके थ्रू हम पावर को कंट्रोल करते हैं, यानी कि आप इसको पावर कंट्रोल यूनिट बोल सकते हैं। और फिर आगे हमारे पास लगी होती है जो मोटर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम मोटर को ही चलाएंगे। पावर कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, जैसे घरों के अंदर आप चार्जर का यूज़ करते हैं, मोबाइल चार्जर का, वहाँ पर एडोप्टर लगा होता है, वो भी एक तरह से पावर को कंट्रोल करता है कि कितनी पावर जो है आगे हमें चाहिए, ताकि मोटर जो है यहाँ पर ख़राब ना हो, प्रॉपर उसको पावर मिले, प्रॉपर वर्किंग करे, एफिशिएंसी अच्छी मिले। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल जो है पावर कंट्रोल यूनिट जो है रखती है, तो वो जो है यहाँ पर सेंस करके जितनी भी चाहिए पावर देती रहती है। अब मोटर हमारी कनेक्ट होती है, जो व्हील्स हो गए यानी कि इनको घुमाने के लिए ये काम करती है, और यहाँ पर ये घूमते हैं और व्हीकल जो है आगे की तरफ चलती है। अब हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, किस तरह से मोटर घूमेगी और व्हीकल चलेगी। एग्जॉस्ट के रूप में हमारा क्या निकलेगा, जैसे हमने समझा, एयर और वाटर वेपर ही हमें मिलेंगे, जो कि क्लीनर है यानी कि एटमॉस्फेयर के लिए उनको कोई भी, उनसे खतरा नहीं है हमें, किसी भी तरह से वो हार्मफुल नहीं है। तो इसीलिए जो हाइड्रोजन कार है उसके ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। लिमिटेशंस क्या आ जाती हैं, एक तो हाइड्रोजन को बनाना यानी कि प्रोड्यूस करना फ़िलहाल काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसके लिए हमें फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है जिससे एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस जाती हैं, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद जो है इनको स्टोर करना, हाइड्रोजन को स्टोर करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, यानी कि स्पेशलाइज्ड टैंक इसके लिए बनाए जाते हैं। लेकिन अगर इसकी एडवांटेज देखें हम, इसकी एडवांटेज क्या है, अगर हम आज के जो व्हीकल के अंदर फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उनके कंपेरिजन में देखें, तो एक तो ये क्लीनर फ्यूल हो गया, ये हमें पता है क्लीनर फ्यूल हो गया। दूसरा, जो पेट्रोल डीजल यूज़ कर रहे हैं हम, उनसे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो उसके कंपैरिजन में देखें इससे कोई हार्मफुल गैसेस नहीं निकलते, वाटर वेपर और एयर वगैरह ही एग्जॉस्ट होती हैं। उसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, जो आजकल हम बैटरी से चलने वाली कारों को यूज़ करते हैं, उनको चार्ज होने में काफ़ी टाइम लगता है लेकिन अगर हम इस कार का यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन कार का, तो जो हाइड्रोजन फिलिंग यहाँ पर अगर हमारे पास होती है, तो वो भी हाइड्रोजन फिलिंग करने में भी 3 से 5 मिनट ही लगते हैं, अगर इस तरह से जैसे पेट्रोल पंप हैं इस तरह के अगर पंप्स बनाए जाएं, तो फिलिंग करने के लिए 3 से 5 मिनट ही लगते हैं अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंपेरिजन करें, क्योंकि चार्ज करने में काफ़ी समय जाता है लेकिन इसको फिलिंग करने में काफ़ी कम समय जाता है।
लेकिन अभी इसके ऊपर भी जो है लिमिटेशन के अंदर आप कह सकते हैं इसी के ऊपर भी काम करना बाकी है, क्योंकि इस तरह के जैसे पंप्स हैं, पेट्रोल पंप या डीजल पंप हैं, इस तरह के हाइड्रोजन फिलिंग सेंटर बनाने के ऊपर भी काफ़ी काम करना पड़ेगा, क्लीनर फ्यूल बनाने के लिए काफ़ी काम करना पड़ेगा। तो कुछ ये लिमिटेशंस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन अगर हम इन सारी चीज़ों को कवर कर पाते हैं तो एक क्लीनर फ्यूल हमें मिल जाएगा, एक लॉन्ग रेंज व्हीकल हमें मिल जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर अगर हम देखें, जल्दी जो है फीलिंग होगी और काफ़ी दूर तक जाएगी, क्लीनर जो फ्यूल होगा, एग्जॉस्ट नहीं होगा, काफ़ी फायदे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये थी हाइड्रोजन कार के पार्ट्स और उसकी वर्किंग की ये कैसे काम करती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।